हेलो दोस्तों, मैं निक्की जैन आपका शॉर्टकट किचन में स्वागत करती हूँ। आज हम घर पर ही बनाने वाले हैं ढाबा स्टाइल दम आलू, वो भी बिल्कुल टिप्स के साथ और बहुत ही आसानी से। इसकी सारी सामग्री हमें घर पर ही मिल जाएगी जो हम बनाना चाहते हैं, और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। तो चलिए आप और हम मिलकर बनाते हैं ढाबा स्टाइल दम आलू घर पर फटाफट से। सबसे पहले हमें छोटे साइज़ के आलू लेने हैं। ये बिल्कुल छोटा साइज़ का आलू है। मैं देखिए इस तरह के आलू लिए हैं। इसको हमें अच्छे से छील लेना है धोकर। मैंने इसको धो लिया है, अब हम इसको पूरी इसके छिलके उतार लेंगे अच्छे से। कोई भी पीलर लेकर हमें इसे अच्छे से इस तरह से छिलके उतारने हैं, और उतार कर यूँ पानी में रखते जाना है इसे। ये देखिए हमने 10-12 आलू छील कर रेडी कर लिया है। अब हमें एक कांटा लेना है और सब आलू में इस तरह से अच्छे से हमें छेद कर देना है। चारों तरफ घुमाते हुए हमें इस तरह से कांटे में इसमें अच्छा होल बनाना है। सारे आलू में हमें ऐसे ही होल बनाकर रेडी कर लेना है, जिससे कि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये अच्छे से पक जाएगा। ये हमें बॉईल नहीं करना है, हम डायरेक्ट इसे फ्राई करके बताएंगे आपको। ये देखिए हमने अपने सारे आलूओं को छान लिया अच्छे से, इसका पानी ड्रेन कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे गैस पर। इसके लिए हमें एक कढ़ाई चढ़ानी है। उस पर मैंने ये आधा कटोरी सरसों तेल लिया है। इसमें हम सरसों तेल में बनाएंगे, इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं। ऐसे स्पून से देखेंगे तो ये 4 टेबल स्पून है। हमने गैस ऑन कर दिया है। देखिए हमारा तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। धुआं निकल रहा है, कच्चे तेल में हमें नहीं डालना है, नहीं तो तेल की स्मेल आ जाएगी इसमें। इसीलिए हमें अच्छे से इसे गर्म होने देना है। अब हम इसे एक एक करके डाल देंगे। अब हमें इसे बीच में पलटते हुए गोल्डन ब्राउन तक भूंजना है अच्छे से, जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। देखिए हमारा आलू हल्का हल्का ब्राउन होने लग गया है। हमें इसे बीच बीच में पलटते रहना है। अभी थोड़ा सा ये और होगा। गैस हमारी मीडियम पर है, कम पर नहीं होगा, बहुत तेज पर नहीं होगा, मीडियम गैस पे फ्राई होगा ये। देखिए गोल्डन कलर होने लगा है। अब हम गैस कम कर देंगे। कम करके हमें 2 से 3 मिनट और करना है, फिर इसे निकाल लेना है बाहर। देखिए हमारा रोस्ट हो गया है, अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। आप इसको हल्का सा चक्कू या किसी से चेक करके देख ले थोड़ा पक रहा है क्या, और थोड़ा इसको हम ग्रेवी के साथ ही पकाएंगे। अब ये रेडी है निकाल। ये देखिए हमें इसकी ग्रेवी बनानी है। ग्रेवी के लिए हमने लिया है 2 टमाटर, 2 छोटे प्याज, 2 से 3 हरी मिर्ची है, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है, 5-6 लहसुन की कलियाँ हैं, कुछ काजू के टुकड़े हैं और 1 टीस्पून मगज के बीज हैं। इन सबको हमें अच्छे से धोकर काट लेना है। उसके बाद अब हमें इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है, बारीक, बिल्कुल बारीक। हमने अपनी ग्रेवी तैयार कर ली है। अब इसी बचे हुए तेल को गरम करके हमें इसमें 2 लौंग डालना है, 1 तेज़पत्ता, 1 हरी इलायची, और अब हम इसमें अपनी ग्रेवी डाल देंगे। में ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा लाल मिर्च ज़्यादा डालें, नहीं तो 1/2 टीस्पून इनफ है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून अमचूर, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। अब हमें इसे अच्छे से मिला लेना है और हमारी ग्रेवी को पकने के लिए रख देना है। 5 से 10 मिनट लगेंगे इसे पकने के लिए। देखिए हमारा ग्रेवी ऑलमोस्ट हो गया है। इसमें साइड में तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब हमारा ग्रेवी सीज गया है, पक गया अच्छे से। यहाँ पर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हींग, 2 कटी हुई हरी मिर्च, और ये जो हमने आलू कर कर रखे थे इसे अब हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसे मिक्स करना है यूँ। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ये मैंने ग्रेवी के बॉल को ही धोकर पानी ले लिया है, 1 ग्लास पानी है छोटा
छोटा ही ग्लास है, और इसे आज अब अच्छे से हमें 10 मिनट तक पकाना है, जिससे कि आलू भी पूरी अच्छे से हो जाए और ग्रेवी भी हमारी ठीक हो जाए। इसे 10 से 15 मिनट लगेंगे पकने में। हम इसे ढककर पकाएंगे तो ये थोड़ा जल्दी पकेगा। ये रेडी हो गया है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा बनकर आया है। अबा क्या ये ढाबा से भी बढ़िया तैयार हुआ है दम आलू, जिसे आप खाकर बार बार बनाएंगे। हम इसे एक आलू लेकर हमें यूँ चेक कर लेना है कि ये देखिए आसानी से कट रहा है, इसका मतलब हमारा आलू पक चुका है पूरा। अब हम इसमें थोड़ा धनिया ऐड करेंगे, कसूरी मेथी इसमें बिल्कुल ना डालें, ये कटिंग धनिया किया है हमने। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टीस्पून घी का, देसी घी का। घी डालने से इस सब्जी का एरोमा है वो बहुत ही अच्छा आएगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम इसे इसमें ढककर 5 से 6 मिनट इसी में छोड़ देना है, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया हमारी सब्जी तैयार हो गई है। अब हम इसे मिक्स कर देंगे। ये देख सकते हैं आप, देखिए अब हम इसमें इसको सर्व कर देंगे। होटल से भी ज़्यादा टेस्टी ये सब्जी बनकर तैयार होता है, तो आप लोग इसको ज़रूर से ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।